अभी हम हैं ऑटो एक्सपो 2023 में और आज हमारे पास में है वेव मोबिलिटी की जो कार आती है ईवा, वो हमारे सामने है और ये रेडी टू मैन्युफैक्चर व्हीकल है और इंडिया बेस्ड कंपनी है, पुणे बेस्ड स्टार्टअप है, नया इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये। देख लीजिए पूरा कैसे दिखता है, इसका व्हील्स वगैरह है या डिज़ाइन आप देख लीजिए। सामने से देखने पर ये ऐसा लगता है थ्री व्हीलर है, पीछे फिर भी व्हील दो दिए हुए हैं, पूरी फोर व्हीलर कार है, रियर व्हील ड्राइव है। सामने से अगर लाइट वगैरह देखते हैं तो ये वोल्वो से इंस्पायर्ड ऐसा लगता है, जो डिज़ाइन वगैरह है एलिमेंट इसके मतलब, और जो सामने लाइट पूरी LED दी हुई है। नीचे अपन को कोई भी ग्रिल वगैरह कुछ नहीं मिलती इसमें, वाइपर एक सिंगल मिलता है। और जो खास बात है इस गाड़ी की, इसमें जो ऊपर है ऊपर में सोलर पैनल इसमें मिलता है, मतलब ये गाड़ी चार्ज भी कर सकते हैं। रूफ इसके यहाँ साइड में रखी हुई है, एक साल में लगभग 3 से 3,500 किलोमीटर आप इसे चार्ज करके इसे चला सकते हैं। ये पूरा इनका कॉन्सेप्ट है, मतलब इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये सोलर पैनल वाला जो फ्यूचर की चीज़ें हैं वो यहाँ पर शोकेस की गई है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें फ्रंट वगैरह आप देख लीजिए, गाड़ी को पहले मैं चारों तरफ से दिखा देता हूँ कैसी दिखती है। इसमें सोलर वाला सिस्टम भी है, प्लस आप इसको चार्ज करके भी चला सकते हैं। और रेंज जो इसकी बताई गई है 250 किलोमीटर बताई गई है एक सिंगल चार्ज में, और एडिशनल अगर आपकी गाड़ी कहीं धूप में खड़ी है तो उसके साथ में भी चार्ज होगी। और जो इसके मिरर वगैरह लग रहे हैं वो हमें जो पहले अपने ऑल्टो आते थे उससे इंस्पायर लग रहे हैं। बाकी पीछे से हम देखते हैं, पहले दिखने में थ्री व्हीलर लग रही, पीछे आपको दो व्हील मिलते हैं इसमें भी, और रियर व्हील ड्राइव भी हमें मिलती है। जो टायर की साइज दी गई है वो है 155R13, मतलब 13 इंच का जो है व्हील इसका वो है। और ये शायद अभी तो प्लास्टिक का लगा रखा है इन्होंने, चार्जिंग वाला यहाँ मिलता है, DC चार्जिंग घर पे भी हो जाता है ये चार्जिंग, और यहाँ पे ग्लोस फिनिश हमें मिलते हैं और कांच वगैरह बनने इसके बाकी है। वाइपर एक सिंगल मिलता है, बड़ी ही कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है ये, मतलब जो इसने महिंद्रा पहले जो रिवा आई थी वो देखी थी तो उससे मेरा कुछ लग रही है जो साइज़ वगैरह में। सिटिंग कैपेसिटी इसकी वो है 3 लोगों की, मतलब एक बच्चा 2 एडल्ट इसमें बैठ सकते हैं। कलर जो है इसमें 6 कलर में मिल जाते हैं इसे, और जो बैटरी कैपेसिटी वगैरह है वो सब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें मेंशन किया है 2.1 चाहिए। गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इंटीरियर दिखाते हैं, गाड़ी अंदर से दिखने में कैसी है। पीछे जो ब्रेक लाइट है वो भी LED दी गई है, ऊपर स्टॉप लैंप भी हमें मिल जाता है इसमें। डिफोकर वगैरह का कॉन्सेप्ट हमें तो इसमें नहीं दिखाया गया, हो सकता है जो कलर है उसमें हमें मिल जाए। इंडिया की बेसिक इसको ऑलरेडी लगा रखी है इन्होंने, इंडिया बेस्ड कंपनी स्टार्टअप है पुणे का। इस इंटीरियर आपको दिखाते थे इसका, तो ये कुछ है भैया ओपन करो इसको, अंदर से इंटीरियर आपको दिखा देते हैं। तो डोर पैनल कुछ इस प्रकार का मिलता है, उसमें स्पेस की कोई कमी नहीं है, ये आपको ऐसे ड्रेव टाइप का कुछ मिलता है यहाँ पे। स्टेयरिंग व्यू पे सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, जो मीडिया के हैं, फ़ोन उठाने कट करने के, स्पीकर म्यूट करने के, और गाड़ी क्लस्टर वो आपको जैसे अपने XUV में मिलता है वैसे मिलता है, पूरा एक ही पैनल, उसमें एंड्रॉयड ऑटो एपल कारप्ले सारा ही सिस्टम मिल जाता है। USB पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस नीचे ही मिल जाता है यहाँ पे, वॉल्यूम के बटन दिए हुए, और इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो गियर वगैरह आपको कुछ मिलता नहीं है, तो न्यूट्रल ड्राइव रिवर्स पार्किंग वो है, AC के कंट्रोल यहाँ पे। वो सीट वगैरह आप देखेंगे, सीट की कुछ नहीं, बहुत ही शानदार है इसकी, और जो चौड़ाई वगैरह है वो भी अच्छी, हाइट एडजस्टमेंट्स में नहीं है, रीच के लिए हमें आगे पीछे ये मिल जाते हैं। पीछे जो कैपेसिटी मैंने आपको बताया 3 लोगों की है, तो पीछे 2 और बैठ सकते हैं, एक बच्चा और एक एडल्ट। बोतल वोटर हमें मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है, और कुछ स्पेस वहाँ सामान रखने के लिए मिल जाता है। पीछे बैटरी पैक है तो और बाकी कुछ मिलता नहीं है, सामान वगैरह रखने के लिए पीछे खुलता नहीं है। नीचे जो मेट वगैरह है वो भी अच्छी क्वालिटी के, और नीचे वहाँ पर एक्सीलेटर और ब्रेक हमें मिल जाते हैं, जैसे पावर विंडो वगैरह है तो अभी ये लगा रखिए इसे। बाकी जो फ्यूचर की संभावनाएं हैं उसको यहाँ दिखाया गया है कि केवल चार्जिंग के साथ साथ हम जो सोलर पैनल्स हैं उससे भी गाड़ी अपनी चला सकते हैं अगर आप यहाँ आते हैं तो। ऐसे ऊपर की कुछ रूप है, ये इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो दिखा रखा है इन्होंने यहाँ पे कि कैसे ये चार्ज होता है, कैसे चलती है। तो सामने से आप देखिए जो कैसी लगती है। बाकी जो भी लोग आ रहे हैं इलेक्ट्रिक वाले इसमें, तो मेन अट्रैक्शन उनका यही है, कॉम्पैक्ट है, सिटी के लिए बढ़िया है, या फिर आपके जैसे कोई लेडीज़ वगैरह है चलाने वाला तो उनके लिए भी बढ़िया है। मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 70 किलोमीटर है, और जो मैक्सिमम जो रेंज है इसकी 250 किलोमीटर है। बाकी सड़कों पे अपने को ये लगभग 2024 तक देखने को मिलेगी। रियल व्हील ड्राइव है वो मिलने वाली है, इसकी जो हाइट मिलने वाली है 1590 mm है,
विड्थ है जो इसकी वो 3060 mm है, व्हील बेस है इसका 2200 mm है, जिसकी चौड़ाई है वो 1150 mm। सोच लीजिए अब कितनी चौड़ी है ये गाड़ी, कितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और सिटी के लिए कितनी ज़्यादा बढ़िया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।